आई डोलाई थानाई हे लेबई अलावा बीचे हे जाय आ डोलाई थानाई वही कै दुर्गा माय कानी में लबा दुल्हन के आज सुरमल करके दुल्हन बन जाओ आज लखीखे सु रतिया लो भईवा है आके आज लखीखे सु रतिया लो भई लई आज सुरमल के जा ए लखीखे सु रतिया लो भई लई सुरमल के जाय ए छतिया ये खाते सुतरी अतरी हमारा सदा कुल रीत से सदा चली जाई रघु कुल रीत सदा चल जाई नारी देश कभी हाथ ना जाए। आज नारी की बातों में रहने वाले को अपने महलों में अपने घरों में अपने नारी की बात में रहने वाले आप लोग क्षमा कीजिएगा, ऐसा भी बात मत सोचिएगा जो हमको उल्टा सीधा बोल रहा है। नहीं, हमारा काम है उल्टा सीधा बोल देना, लेकिन गौर कीजिएगा अपने घर में बहु बेटी बहुत है, इस चीज को गौर करना महा जरूरी है। राज बंटवारा का मतलब है इस चीज को पकड़ करना ही जरूरी है। दो नारी है दो महलों से आई है, दो माँ की ओद्र से जन्म के आई है, और एक माँ की ओद्र से दो भाई निकला। कोई राम है तो कोई श्याम है, फिर भी उसके पास वह नारी उसको तोड़ करके आज देखा जाए राज अंग भंग हो गया। आज उसको उठा करके कोई ले गया है। अगला परिवर्तन देखिए जो आप लोग भी सोचेंगे जो कहां से आई है कैसे जाकर के फंस गई है। आइए अगला दृश्य में मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूं। कहा गया है तानी जा भैया मिलावा से लौटी आ बताली गई होया लौटी जा भैया जाई भई हो भैया जी नागर मोहबा
कहिए महाराज। मैंने यहाँ एक औरत को बैठा कर गया था, वो औरत कहाँ है? सुनिए राजन, आप कौन हैं? कहाँ की रहने वाले? किस औरत को आप ढूंढ रहे हैं? मैं मोहब्बत का रहने वाला हूँ, मैंने मेला देखने के लिए आया था। अच्छा, मेला के अंदर मैंने अपनी पत्नी नैना गढ़वाली रानी सोना को मैंने इस जगह छोड़ कर गया था, फिर मेला वापस लौट कर, लेकिन उसे नहीं दिख रहा। राजा आपको सोचना चाहिए, किसी मेले के अंदर कोई अपने बाल गोपाल को लेकर के जाता है तो अंगली पकड़ के चलता है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिए। हो ना हो, कोई राजा महाराजा देखने में सुंदर होगी उठाकर ले गए, या फिर आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गए। सुनिए राजा जान, बोलो बोलो, आपने ये सुरमलगर की मेला में लाए थे? हाँ, कहीं मेला देखने के लिए आई थी। क्या ये सुरमलगर की मेला दोनों पति पत्नी मिलकर आए थे? हाँ हाँ हाँ। मैं एक छोटी सी बात बतलाऊं? बताओ। क्या मैं बतला दूं तो मान जाओगे ना? जरूर मानूंगा। तो कान खोल करके सुन लो, ये सुरमलगर है, छलिया देश का छलिया राजा, छल से लिया काम बना, इसलिए ये
देखा जाए आज हे राजन आप जिस पांव से चल करके आए, जिस पांव से चल करके ये राजभवन से आए हैं, ये दल दल यहाँ आप यहाँ से लौट करके वापस चले जाए क्यों क्यों क्यों? ये सुरबलगन है, आने वाले को पांव का निशान मिलता है, जाने वाले को पांव का निशान नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं यहां से वापस चलता हूं। हाँ हाँ हाँ, और चलकर महारानी का पता जरूर लगाऊंगा। आपकी पत्नी को राजा सुरवल सिंह उठा करके अपने महल ले गया है। कल उसकी राजा सुरवल सिंह के साथ शादी हो जाएगा। सुरवल सिंह मेरी पत्नी को उठा कर ले गया। हाँ, यदि आज मेरे भाई उदय सिंह रहता तो क्या मसाला था सुरवल सिंह की जो मेरी पत्नी को उठा कर ले गया। राजा आ हम लोग की जा बचा ला ले हो भैया जी तानी हो बाना आ भैया तानी ये सुना ला या बबतिया हो अठारह ले गई डगरिया हो चली गई तीस बाना राजा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चाचा राज बनारस के समाचार खरिया है की खरियत है? सुनो, चले जाओ सिरगेट पे बिना आदेश से। कोई भी राजा हो या कोई भी शत्रु, ये राज बनारस में बिना सैयद के आज्ञा से प्रवेश करना नहीं देना। क्यों नहीं चाचा? हाँ बोलो। यदि राज महबा का कोई आ जाए उसे क्या करना है? अरे राज महबा का हो या कहीं का हो उसे आने नहीं देना है। ठीक है चाचा, सैया के कहना में है राज महबा का कोई भी आ जाए, राजा हो या प्रजा, उसे राज बनारस में पांव देना बंद हो गया।
ठीक है चाचा, आप अभर चयन कीजिए। समय चाचा जी कहाँ हैं? कौन है तुम? अरे कोई भी चाचा से मुझे बात कराओ। चाचा है कहाँ? चाचा नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो? कौन हो तुम? चाचा की आदेश है सारी दुनिया के लोग आ जाए, उसे हमारे राज बनारस में पनाह अवश्य मिलेगा। मैं चाचा से मिलने के लिए चाहते हैं। मिलेगा मिलेगा तो मिला, लेकिन घर के पता बताओ। अरे घर के पता क्या पूछने, मुझे घर लापतापुर है। नहीं मिलेगा, चाचा नहीं है। चाचा जी आला हेलो जी, इसी के ऊपर से ड्रामा खत्म कर देते हैं। रिकॉर्डिंग से सेवा ले लीजिए, ऐसे में हम लोग भी डिस्टर्ब। ड्रामा देखिए, सब आदमी को भी मन खुश हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कर देते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग एकदम नहीं। आ बीच में जब भाग जाए। अच्छा ठीक छे डरा में होते की करिए। आहार के बल पर न चले छे, जे आहार कहै छे से करै छे। हमरा में दोष नहीं सरकार। अच्छा सब में, अच्छा रुको, ड्रामा कहै छे त तने दम कसने रहो। रिकॉर्डिंग फकॉर्डिंग के बंद करो। ये हमरा थोड़े दोष, ये जनरेटर वाला में दोष। तेल खत्म भ गए कहिए, हम 5 लीटर निकाल लिए हुए हैं। चाचा जी हाँ हाँ, आप नाराज मुझ पर क्यों हैं? हमें क्या गलती था? रे मैंने एक खबर लेकर आया हूँ चाचा जी। खबर लेके आया है? हाँ। अरे कैसा खबर लेके आया है? चाचा जी क्या यहाँ
अब यार बाबू रे अब चाचा जी जरूरी रही पड़वा चाचा जी से आई हे कौन यही जरूरी रे पड़ल चाचा से आई मैंने आपसे क्या बताऊं रानी सोना ने सुरवलपुर का मेला देखने के लिए गई थी मैं भी उनके साथ था मेला के अंदर मैंने चक्कर लगाकर जो सामान खरीदना था मैंने खरीद दिया जब मैंने वापस घर लौटा तो रास्ते में कही कि बेटा इंद्र सिंह के लिए खिलौना नहीं लिया हूं अच्छा मैंने बेटा इंद्र सिंह के लिए खिलौना लेने के लिए मेला में गया इसके अंदर मैंने सुन रहा हूं कि सुरवलगढ़ के राजा सुरवल सिंह महारानी सोना को उठाकर ले गया है क्या किसकी मजाल लेकिन सुन ले गया तो ले गया तू चला जा मेरे दरबार से चला जा जहां से होगा तहां से तू जा और अपने बीवी को खोज के ला चाचा चाचा हारे अरे वकरा बीवी को ले गया ना उसको कहिए यहां क्या करने के लिए आया जहां इसको बीवी को ले गया वहां जाए वही तो मैं कह रहा हूं ज्यादा तो मजाक करता है मजाक करता है जाओ ना क्या क्या करेगा रे ला जाओ और जहां से तेरी बीवी गई है ना जा खोज के ला मुझे क्या बता रहा है यही तू बता हूं चाचा देख रहा नगर मोहन